नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों कि ये है KC4 कंप्रेसर और इसमें का जो CCSP वाल्व है तो इसका मैग्नेटिक कॉइल है, इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे और बताएंगे कि मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं, इसका लाइट कनेक्शन किस तरह करते हैं। इस वीडियो में हम आसान तरीके से मैं बताऊँगा दोस्तों कि आप भी बड़ी आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि CCSP वाल्व KC4 में दो होता है, दोनों में दो दो वायर होता है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का एक बोर्ड चाहिए जिसमें दो स्विच लगा हो, ठीक है, या MCB हो या स्विच हो, ठीक है। तो स्विच बेहतर रहेगा क्योंकि MCB कभी कभी गिर जाता है। तो स्विच इस तरह का दो स्विच वाला एक बोर्ड चाहिए, एक्सटेंशन बोर्ड। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है, मैं बताऊँगा कि कैसे कनेक्शन करना है इसका। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, दोनों CCSP वाल्व का मैग्नेटिक कॉइल जो है, कॉइल का एक एक वायर ले लेंगे और एक एक वायर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह, ठीक है। इसको एक एक वायर दोनों का देख सकते हैं कि एक एक वायर इसको ले लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ आपस में, तो यहाँ देख सकते हैं कि एक एक वायर मैंने इसका जोड़ लिया, दोनों का एक एक वायर इकट्ठा कर देंगे इस तरह। अब ये हो गया और ये बचा दो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम करेंगे स्विच से। तो सबसे पहले तो जहाँ पर ये बोर्ड लगाना है वहाँ एक जगह देख लेंगे। तो यहाँ मैंने होल कर दिया है, यहाँ लगाना है इस तरह, ठीक है। ये जो वायर है, दोनों वायर को इसमें ज्वाइन कर लेंगे और वायर, ताकि यहाँ तक इस बोर्ड तक आ सके, ठीक है, जहाँ ले जाना है वहाँ तक आ सके। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वायर जोड़ लेता हूँ। तो ये देखना है कि वायर का टूटा है, तो यहाँ से है कि दोनों जो मैं इकट्ठा किया था उसमें एक वायर मैं जोड़ लेता हूँ इस तरह, और इसे टेप कर लेंगे अच्छी तरह। और ये दो बचा, दोनों में एक एक वायर इस तरह, इसको भी टेप कर लेंगे। इसमें भी एक वायर जोड़ लेते हैं, इसको भी हम टेप कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि जो इकट्ठा किया था दोनों CCSP वाल्व को मैग्नेटिक कॉइल का, इसमें एक मैंने वायर जोड़ लिया है, और जो दो बचा दोनों का अलग अलग, इसमें भी मैंने एक एक वायर इस तरह कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ से आराम से चला आएगा, तो मैं इसमें टेप कर लेता हूँ। यहाँ मैं टेप करके यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ भी मैं टेप लगा लेता हूँ। इसको मैं एक बांध लेता हूँ, जो जॉइंट है दोनों इकट्ठा किया है उसके वायर के, मैं एक इसमें गांठ लगाता हूँ कि पहचान रहे, ठीक है। अब मैं इसको पूरा टेप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ होल है, होल के अंदर से मैं निकाल तार। अब इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों, ये जो इकट्ठा वाला तार है, दोनों वायर का जो इकट्ठा किया है उसका है, और दो अलग लगाया है ये इसका है, और जो वारा वायर होता है इसको कटिंग कर देंगे, इसको छील लेते हैं वायर को, इसको भी छील लेते हैं। और ये जो है अलग अलग जो वायर आया है इसको स्विच से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कि मैंने होल किया है यहाँ, तो होल से इसको निकाल लेंगे, यहाँ इस तरह निकल गया। अब दोनों का एक एक स्विच में इसको लगा देते हैं।
इसको भी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि दोनों CCSV वाल्व का मैग्नेटिक कॉइल से एक एक जो आया हुआ है सिंगल सिंगल, ये दोनों स्विच में मैंने लगा लिया है नीचे की साइड में, इस तरह रहेगा। ठीक है, नीचे साइड में लगाया है। अब ये जो है इसको रखेंगे इसी तरह, क्योंकि ये जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, इसको न्यूट्रल में जाएगा। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे वायर। यहाँ देखते हैं कि ये जो कटआउट है, कटआउट में जो वायर आया हुआ है इसमें एक फेज जरूर आया है। उस फेज को हम चेक करेंगे कि कौन सा फेज है, उसमें से हम वायर कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये मैनुअली ऑपरेट करने के लिए है, ना ही इसको ऑटो में लगाएंगे। ठीक है, ये मैनुअल चलाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें फेज आ रहा है और कौन सा न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला तार है इसमें फेज आ रहा है, और ये जो ब्लैक वाला है इसमें न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, अर्थ है तो वहाँ से कनेक्शन इसका नहीं हुआ था, तो मैंने वहाँ से कनेक्शन किया बोर्ड से, पैनल बोर्ड से। देख सकते हैं अब यहाँ लाइट आ रहा है। ठीक है, जब कंप्रेसर चलेगा तो इसमें लाइट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा वायर जोड़ लेते हैं कि बोर्ड तक पहुँच जाए, तार छोटा पड़ रहा है तो इसमें वायर जोड़ लेते हैं। जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तभी इसमें लाइट आएगा, अदरवाइज इस तरह नहीं आएगा। और ये जो न्यूट्रल वाला है तो इसमें भी हम एक जोड़ लेते हैं, इसमें वायर जोड़ लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। अब दोस्तों ये दोनों वायर मैंने जोड़ लिया है, यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे दोनों, देखते हैं। और यहाँ जहाँ बोर्ड में लगाना है तो नीचे से मैं निकाल लेता हूँ इस तरह दोनों वायर को, ताकि यहाँ पर लगाया जा सके। अब तो ये हो गया मेन सप्लाई जो पैनल बोर्ड से आ रहा है, स्टार्टर से, कंप्रेसर के स्टार्टर से। ठीक है, और इसमें देख लेंगे कि ये वाला जो है ये फेज है, तो इसको फेज को पहले लगाते हैं। ठीक है, ये फेज है, एक छोटा वायर ले लेंगे इस तरह। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फेज वायर है जो स्टार्टर से आ रहा है इसमें इस तरह हम जोड़ लेंगे। देख सकते हैं निकाल लिया इसे इधर से, अब अंदर से भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं वायर मैंने जोड़ लिया है छोटा सा, अब इसमें देंगे यहाँ पर। इसको टाइट कर लेंगे, जो पहला स्विच है उसमें दे दिया है मैंने। अब ये जो वायर है, जो वायर टूटा वायर है दूसरे स्विच में लगा लेंगे इस तरह कि ये दोनों को सप्लाई मिले। तो ये दोनों को सप्लाई हो गया है, यानी यहाँ तक फेज आ रहा है और यहाँ से स्विच में जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसको आपस में जोड़ देंगे, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। ये जो इकट्ठा वायर मैंने किया था CCSV का मैग्नेटिक कॉइल का, वो और ये न्यूट्रल जो है इसको इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ इसको जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको भी टेप कर लेंगे,
अब दोस्तों ये जो है यहाँ इस तरह लगा देंगे। अब मैंने दो होल कर लिया है, यहाँ पर देखते हैं कि इस बोर्ड में दो होल मैंने किया है, दोनों होल में स्क्रू से टाइट कर लेंगे। अब दोस्तों इसका कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ CCSB से वाल्व, CCSB जो मैग्नेटिक कॉइल है वहाँ से तार मैंने लाया इस तरह, इसमें कनेक्ट किया और यहाँ से फेज और न्यूट्रल लाकर इसमें कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप दोस्तों बड़ी आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और मैन्युअली CCSB को चालू करने के लिए, सोलेनोइड वाल्व को चालू करने के लिए इसको इस स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और कंप्रेसर को लोड में ला सकते हैं या अनलोड कर सकते हैं या लोड में ला सकते हैं इसके जरिए, स्विच के जरिए। तो दोस्तों हम चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि कंप्रेसर जो है लोड में आ रहा है कि नहीं इस स्विच को ऑन करने से। तो सबसे पहले इसमें हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं, टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि इसका स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है, दोनों में स्क्रू टाइट करके इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब कंप्रेसर को स्टार्ट करके और कंप्रेसर को लोड में देकर देखते हैं कि ये दोनों CCSB वाल्व काम कर रहा है कि नहीं और कंप्रेसर लोड में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब ऑटोमेटिक जो लोड आता है डायरेक्ट लोड आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से दो पिस्टन का लोड मैं देखकर देखूंगा कि ये लोड आ रहा है कि नहीं। कंप्रेसर में ऑटोमेटिक जो डायरेक्ट पिस्टन है उसका लोड आ चुका है। अब यहाँ स्विच से मैं लोड देकर देखता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों पहला पिस्टन लोड में आ गया है। अब दूसरे को चेक करता हूँ। अब चारों पिस्टन दोस्तों लोड में आ चुका है। तो ये अच्छी तरह काम कर रहा है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसे अनलोड, दोनों पिस्टन को अनलोड और लोड में ला सकते हैं, ठीक है। चारों पिस्टन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह बड़ी आसानी से CCSB का मैग्नेटिक कॉइल का कनेक्शन कर सकते हैं और आप मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।